हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान रथ। आज आपके लिए जो ये वीडियो लाया गया है, तो यहाँ पे जो आपकी रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनकी जो सीरीज चल रही है, तो उसका ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले इसके काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोगों ने अभी तक अगर वो नहीं देखे तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। ये वीडियोज आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आपका RRB JEE, RRB NTPC ग्रुप डी एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे। और चैनल पर जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्ञानरथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दिख रहा होगा उसको दबाना ना भूलें। तो इससे ये फायदा होगा कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो जब भी नई वीडियो जहां पर अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो आज का वीडियो है, आज जो क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपके जो अभी जो रेलवे के प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे लोको पायलट के CBT एग्जाम, तो उनसे डायरेक्ट आप देख सकते हैं ये फोटो ली है, यानी उसका स्नैपशॉट जो पेपर हुआ था वहाँ से आज को जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं और उनका स्नैपशॉट लिया गया है। तो आपको वीडियो लगा अच्छा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, वो जो आया है क्वेश्चन, वो आपके CBT एग्जाम में आया था, धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा इज। और इसका जो सही जवाब था वो था 62.9%। तो आप इसको जो है लिख लें, नोट कर लें कि जो आपका जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें जो पानी की जो परसेंटेज होती है वो 62.9% आपका पानी होता है। और आप ये लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके जो रेलवे का अभी CBT एग्जाम हुआ था, तो उसका जो पेपर जो अभी आंसर की वाले पेपर्स जो आए थे, तो उनसे ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए लाए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। फिर जो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप जो आया था आपका एग्जाम में CBT में, वो आया था निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। और देख सकते हैं इसका जो सही जवाब था वो था ट्रिप्सिन। तो जो आपका ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो आपका जो है अग्नाशय, यानी जो पैनक्रियाइज, जो आपकी पैनक्रियाइज होती है, तो पैनक्रियाइज के द्वारा आपका जो है ये स्रावित होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो रेलवे के जो CBT एग्जाम में, वो था ये रहा आपका, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। और जो इसका सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर 4, देख सकते हैं गतिज ऊर्जा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें, तो जब भी कोई भी बंदूक होती है उससे जो गोली जो है फायर की जाती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो आपकी कन्वर्ट हो जाती है आपकी उसकी काइनेटिक एनर्जी में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। और इसका सही जवाब था वो था स्पाइरोगोरा। तो जो स्पाइरोगोरा होता है वो आपका जो है जो फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी जो आपका विखंडन होता है उसके द्वारा जो है पुनः उत्पन्न हो सकता है। तो ये था इसका सही जवाब। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है आपका, तत्व जो आपके जो एलिमेंट्स हैं, जो आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और जो वो हैं वे सामान्य तो किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है। तो व्हाट आर द एलिमेंट FCl, Br, I एंड At, एंटीमनी, 80 फॉर एंटीमनी एट कॉमनली नॉन एज, और इनको बोलते हैं हैलोजन तत्व। तो आपके जो हैलोजन तत्व हैं, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस ग्रुप के जितने भी जो आपके ये आपको पता होगा जो 17 ग्रुप, तो आपसे कभी पूछा जाए कि जो हैलोजन तत्व होते हैं वो कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। जो हैलोजन तत्व होते हैं आपके, वो आपके जो ग्रुप आपका है वो 17 में पाए जाते हैं, तो इनको जो है हैलोजन तत्व कहा जाता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था, निम्नलिखित में से
किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, तो आपको बताना है कि विनेगर किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब था वो था एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड होता है इसका यूज जो है हम सिरका तैयार करने में करते हैं। तो जो अब और दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ से ये भी बन सकता है जो आपसे पूछा गया था रेलवे में कि जो जो आपका सिरका होता है, जो विनेगर होता है, उसमें जो है कौन सा एसिड होता है। तो आप इसको याद कर लें, नोट डाउन कर लें कि उसमें जो है आपका एसिटिक एसिड जो है पाया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज रिसीव इन अ पी प्लांट, तो जो आपका जो पी प्लांट होता है उसमें जो है कौन सा नहीं होता है। तो जो देखिए इनमें से जो है हरी फली, तो आपको पता है जो मटर होता है उसकी जो ग्रीन पॉड होती है, फिर गोल फली होती है एंड गोल बीज होते हैं, सिर्फ जो झुर्रीदार बीज जो आपके रिंकल्ड सीड होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से ग्रुप में रखा गया है? एल्काई मेटल्स आर असाइंड विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसका सही जवाब था जो आपका पहला समूह यानी फर्स्ट ग्रुप। तो आपको याद रख, जो आपका जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो आपके रेलवे में जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जो है आपको जो टेबल होती है उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि जो आपकी जो क्षारीय धातुएं होती है वो कहाँ होती है, मेटल कहाँ होती है, हैलोजन कहाँ होती है, कौन से तत्व कहाँ पर होते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये सही जवाब था इसका फर्स्ट ग्रुप में। तो याद रखें कि जो क्षारीय धातुएं होती है वो फर्स्ट ग्रुप में होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, टिश्यू चेंजेस द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो आपका सही जवाब था मांसपेशी यानी मसल्स। तो जो मांसपेशी ऊतक होता है वो रक्त वाहिका के जो है जो आपका डायमीटर होता है उसको जो है चेंज कर देता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था, NaCl एक लवण है जो बनता है, तो NaCl इज ए सॉल्ट विच इज मेड अप ऑफ, तो जो आपका जो NaCl होता है जो सॉल्ट होता है वो बना होता है तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप याद कर लें, नोट डाउन कर लें कि जो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड होता है तो वो आपका आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके CBT 1 में पूछे गए थे, तो उनसे ये आपके जो है आपके लिए उनसे स्नैपशॉट लिया गया है। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? अ गर्ल चाइल्ड हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन हर सेल्स, तो इसका सही जवाब था 44 यानी जो आपके 44 गुणसूत्र प्लस XX। तो जो एक जो अगर एक गर्ल चाइल्ड होगी तो उसकी जो कोशिका होगी तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 44 जो आपके क्रोमोसोम्स होंगे प्लस उसके साथ XX जो है पाया जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपका पूछा गया था वो था, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू आयरन टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो लोहे को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमेशा उसमें कार्बन का परसेंटेज, अगर हम लोहे में आयरन में अगर हम कार्बन जब भी हम लोहा यानी बनाते हैं तो उसमें अगर हम बनाते समय आयरन जो आपका कार्बन होता है उसका परसेंटेज बढ़ा दें तो आपका जो आयरन होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बनता है और वो आपका हार्ड भी बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो पूछा गया था, मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ऑडिएबल टू ह्यूमन बीइंग्स, और जो ह्यूमन बीइंग्स होती है उसके लिए ऑडिएबल जो साउंड रेंज है वो है आपकी 16 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, जो ऑडिएबल साउंड रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज 16 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ये था आपका, अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? वाइल रिलीजिंग द एरो फ्रॉम ए स्ट्रेस बो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बो इज कन्वर्टेड इनटू, तो वो आपकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में आपकी बदल जाती है। तो हमेशा जो है जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो वो जब चलना शुरू करती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमेशा जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी स्थित जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है उसमें जो है आपकी कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को
एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी पदार्थ, किसी भी मैटर का अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसकी जो स्टेट होती है, जो उसकी अवस्था होती है, वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आइस होती है, तो जब आइस को हम मेल्ट करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आइस का जो है आप देख सकते हैं कि वो पिघल कर पानी बन जाता है। तो हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर चेंज करने पर जो आपका मैटर होगा उसकी स्टेट आपकी चेंज हो जाती है। तो ये थे आपके जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में जो है जो साइंस के, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर ज्ञानरत चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब कभी भी नए वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा।